हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो कि इस मित्तल की सीरीज में हम लोग आज जो है फोर्थ पार्ट की चर्चा करेंगे। वो फोर्थ पार्ट आपका क्या है वो आज हम लोग देखेंगे। फोर्थ पार्ट जो है न्यूमेरिकल रहने वाला है, वो भी गॉस के नियम पर आधारित और गॉस के नियम के अनुप्रयोग पर आधारित जितने भी मित्तल्स में आपके प्रश्न दिए गए हैं, मित्तल की बुक से जो भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आज सॉल्व करा दिए जाएंगे। गाइस पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, जो भी न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो गाइस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज की वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के बताए गए सारे प्रश्न बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो गाइस आपके टाइम को ना गंवाते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किस पर आधारित है हमने बता दिया है, गॉस और गॉस के नियम पर आधारित है। गाइस आपको फार्मूले नहीं याद होंगे तो हमने फार्मूले एक तरफ पहले से लिख के रखा है, जिससे कि आपको आसान हो जाए कि इस न्यूमेरिकल में हम लोग इस फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं। तो गाइज आइए देखते हैं आपका पहला सवाल क्या है। आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा सवाल, सवाल आप वहां पढ़िएगा, हम साथ में पढ़ रहे हैं। यदि 17.7 पीको कुलाम, ये 2011 में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा, ये यूपी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ये पहला सवाल है इस लेक्चर का, पहला सवाल कह रहा है 17.7 पीको कुलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा के घन के केंद्र पर रखा गया है, तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। आप सवाल को फिर से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 17.7 पीको कुलाम, तो क्यू की वैल्यू है 17.7 पीको कुलाम, तो पीको को कुलाम में चेंज कर देते हैं तो 17.7 गुणे 10 घाते माइनस 12 कुलाम। पीको को कुलाम में चेंज करने के लिए 10 घाते माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर उसके बाद घन के केंद्र पर रखा गया है, जो घन के केंद्र है उसकी भुजा कितनी है, भुजाएं आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा है प्रत्येक सतह से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई है वो आपको ज्ञात करना है। तो गाइस सवाल एकदम आसान और इजी रहने वाला है, एकदम बेहतरीन कह लिया जाए, एकदम बढ़िया सा सवाल। सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं, आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं, तब आपको सवाल और बढ़िया समझ में आएगा। ये मान लीजिएगा कोई इस प्रकार का घन हो गया, ठीक, ए ऐसे करके ऐसे, आपने ये वाला घन बनाने सीखा होगा ना बचपन में, यही वाला घन हम भी बना दिए जिससे आपको आसान हो जाए, ये आपने घन बना लिया, ठीक। अब ये घन के केंद्र पर, घन के केंद्र पर मान लेते हैं ये घन का कोई केंद्र रहा होगा, इस घन के केंद्र पर ये कोई आवेश क्या रखा गया, क्यू आवेश रखा गया, कौन सा आवेश रखा गया, क्यू आवेश रखा गया। अब कह रहा है इसका मान इतना है, ये घन की जो भुजाएं हैं वो प्रत्येक भुजाएं कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, कितनी भुजाएं हैं, हर एक घन की एक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो वो आपसे कह रहा है कि घन के प्रत्येक सतह से, घन के प्रत्येक पृष्ठ से, प्रत्येक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो गाइस घन में कितने फलक होते हैं, पूरे 6 होते हैं, वो एक फलक की बात कर रहा है, एक फलक की बात कर रहा है, न कि पूरे घन से बात कर रहा है। तो पूरे घन से जब बात करता तब तो हम लगा देते फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमारे पास क्यू की वैल्यू पता है और कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम लोग कौन सा उपयोग करेंगे, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से समझिएगा, गॉस के नियम से फाई ई जो है किसके बराबर होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। वो एक सतह से पूछ रहा है, तो एक फलक से गुजरने के लिए घन में 6 फलक होते हैं, तो जब एक फलक की बात करेगा तो 1/6 कर देंगे। चलिए सबका मान रखते हैं, क्यू की वैल्यू कितनी है, 17.7 गुणे 10 घाते माइनस 12। एप्सिलॉन नॉट का मान हमने आपको पहले रखा है, देख लीजिएगा कितना होता है, 8.85 गुड़े 10 घाते माइनस 12 गुड़े 1/ कितना हो गया, 6 हो गया। 10 घाते माइनस 12 से इनकी विदाई हो गई, इतनी बातें आपको समझ में आई है।
अब आप ध्यान से समझिएगा अब क्या होता है। यदि मैं आपसे कहूं कि ये, यदि आप यहां ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग पॉइंट काटना चाहते हैं तो ये 17.70 लिख सकते हैं गुणे 8.85 गुणे 1/2 कितना बचा। अच्छा आगे आप चाहे जितना जीरो लगा सकते हैं। ये पॉइंट से आप काट दिए और ये कटाएंगे तो 2 बार जाएगा, लगभग कितनी बार जाएगा 2, 2 गुणे 1/6, 2 के 2 दो त्याई 6 कितना आ गया 1/3 न्यूटन। क्या आ गया भैया न्यूटन, क्या होता है ध्यान से समझिएगा आपके लिए क्या होता है यहाँ, तो 1/3 आ गया, ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इस प्रकार फाई की वैल्यू कितनी आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कितना गया कूलाम। तो गाइज इस प्रकार आपका पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम लोग अगले सवाल को कंटिन्यू करते हैं। देख लीजिएगा ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, बाकी अन्य फ्रेंड के लिए भी, जो भी आपके सहपाठी हैं, जो भी आपके मित्रगण हैं, उनके पास ये वीडियो पहुँचना चाहिए गाइज, आपका फर्ज है ठीक, तो आपको ये पहुँचाना चाहिए, आपको अगर समझ में आ रहे हैं तो ठीक। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं दूसरे सवाल की। तो गाइस देखिएगा इस क्रम का दूसरा सवाल क्या कर रहा है, ये भी 2019 में पूछा गया है, यूपी 2019 में पूछा गया प्रश्न है, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई की वैल्यू आपको दी गई है, कितना दिया गया है 2i है और प्लस कितना है 3j, 2i प्लस 3j कैप, फिर उसके बाद माइनस 4k कैप, फिर उसके बाद आपको ये दिया गया है बोल्ट प्रति मीटर दिया गया है। ई का मान कितना है, इतना है बोल्ट प्रति मीटर है। आगे कह रहा है मैं एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया है -4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई आपको कैलकुलेट करना है, फाई ई आपको ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा आपको फाई ई ज्ञात करना है, तो आइए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं फाई ई की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं गाइस। कैसे ज्ञात करेंगे कूलाम किससे, गॉस के नियम से हमने पढ़ा है फाई ई जो होता है वो क्यू बटे किसके बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट के, पर हम लोग ये नियम हम लोग नहीं लगाएंगे यहाँ क्योंकि हमको ए दिया है, क्षेत्रफल दिया गया है, ई दिया गया है, तो हम जानते हैं क्या होता है विद्युत फ्लक्स का फार्मूला, एक और जानते हैं क्या होता है विद्युत फ्लक्स। चलिए विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई ई बराबर आपने पढ़ा है ई इंटू ए, ई इंटू ए, ई का मान रखते हैं तो यहाँ क्या रख देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप और -4k कैप, ये ई का मान हो गया। फिर ए का मान कितना है, ए का मान क्या हम देखिए के का केवल दिया गया है बाकी i और 0 शून्य है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0i प्लस 0k माइनस कितना हो जाएगा -4k कैप हो जाएगा। आप ध्यान से समझिए अब इनका गुणा इनसे कर देंगे 0, इनका गुणा इनसे कर देंगे 0, तो लास्ट क्या बचा 4 × 16 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस कितना हो गया 16, क्या हो गया 16, और ये k कैप का मान 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, तो आपके पास आंसर आ गया फाई ई का मान आ गया 16 न्यूटन, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इस प्रकार गाइज इस प्रश्न का आंसर आपका आ जाता है, एक बार आपके बुक से मैच करा लिया जाता है क्या आपके बुक में यही आंसर दिया गया, जी बिल्कुल यही दिया गया है, केवल आपके अंतर क्या है इसके जो मात्रक हैं इसे आप यह भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोल्ट मीटर भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है बोल्ट मीटर भी लिखा जा सकता है। तो गाइज इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो जाते हैं कंप्लीट हो जाते हैं ठीक। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम लोग तीसरे नंबर सवाल की चर्चा करते हैं। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया, अभी जैसे मैंने चित्र बनाया था ना वैसे ही आप क्या कीजिए एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा घन बना लो, बना लिए घन
चलिए घन बना लेते हैं, ये घन बन गए। अब इस घन के केंद्र पर एक आवेश रखा गया, उस आवेश का नाम क्यू है, एक छोटा सा बाबू रखा गया। तो घन के केंद्र पर क्यू जो है वो 10 माइक्रोकुलाम है, कितना है 10 माइक्रोकुलाम। इस माइक्रोकुलाम को भाई कुलाम में चेंज कर दो तो 10 × 10⁻⁶ होता है कुलाम, यानी माइक्रो को कुलाम में चेंज करते हैं तो ये हो जाता है। अब बताइए ये 6 में से एक घट जाएगा तो 10⁻⁵ कुलाम आ जाएगा, ये क्यू की वैल्यू आ गई। आगे कर रहा है घन के एक फलक से, फिर से बात सुनिएगा, घन के एक फलक से वैद्युत फ्लक्स पूछा, न कि घन के पूरे घन के पृष्ठ से बात कर रहा है। फिर से पूछा है फाई ई की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो ध्यान से समझिएगा गाइज, घन के एक फलक से, किसके घन के एक फलक से, घन के एक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान से वैद्युत फ्लक्स। गाइज आप लोग को बताएं, आपको सवाल लगाने में एक प्रॉब्लम आती होगी कि कौन सा सूत्र रखें वैद्युत फ्लक्स का, दो फॉर्मूले, फाई बराबर ई इंटू ए होता है और फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो देखिए क्या आपको दिया गया, केवल यहाँ क्यू दिया गया है, ए तो आपको दिया नहीं गया। जब ए नहीं दिया गया है तो कैसे ए निकालोगे, तो वहां तो लगाना नहीं है। जब ई दिया रहे, ए दिया रहे, तब वहां फाई लगाएंगे, तब फाई बराबर ई इंटू ए लगा लेंगे। जब क्यू अकेला दिया है तब आपके पास गॉस का नियम होता है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। पर ये एक फलक से पूछा है तो 1/6 हो जाएंगे गुड़े क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। चलिए मान रखते हैं ये 1/6, क्यू का मान कितना है 10⁻⁵ है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.85 गुड़े 10⁻¹२। ये देखिए पावर से इतना कट जाएंगे, यहाँ पावर -7 बचेगा, तो 1/6 गुड़े कितना है 8.85। ये पावर ऊपर जाएंगे तो यहाँ -7 था, पावर ऊपर गए 10⁻ क्या हो गए +7 हो गए। अब गाइस इनको हल करना है तो ध्यान से आप समझिएगा, आप इनको हल करेंगे तो भाग देंगे क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इसको हल करने के बाद आपको मिलेगा 1.88 गुड़े 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या कूलम, ये फाई ई की वैल्यू आएगी। गाइज आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों का गुणा करना है। आप घर पे खाली बैठे होंगे आराम से विधिवते खा पी के खाली होके इन दोनों का गुणा कीजिएगा, फिर एक में डिवाइड कर दीजिएगा, फिर थोड़ा पॉइंट का खेल खेल लीजिएगा, आगे पीछे करके आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइज इस प्रकार 2011 में जो पूछा गया प्रश्न है वो आप इस प्रकार इसको हल करेंगे, ठीक। आप नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे के सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस जाइए हम लोग प्रश्न नंबर 4 की चर्चा करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा 2 माइक्रोकुलाम का धनावेश है, कितना है 2 माइक्रोकुलाम का धनावेश है, क्यू बराबर है 2 माइक्रोकुलाम। तो सबसे पहले इनको भाई कुलाम में चेंज कर लो, 2 × 10⁻⁶ कुलाम हो गए। आगे कर रहा है 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पे रखा गया, यानी भुजा जो है 0.2 मीटर है, ठीक भैया। आगे कह रहा है घन के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो पहली बात तो पूछा गया दो प्रश्न, घन के पहला प्रश्न है घन के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल के लिए फाई टी दिखा देते हैं जिससे टी से टोटल हो जाएगा, मतलब कुल वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहा है। और बाकी पूछा है एक फलक से, किससे पूछा है एक फलक से, तो एक फलक से मान लेते हैं फाई ई। तो एक फलक से वैद्युत फ्लक्स पूछा है और कुल वैद्युत फ्लक्स पूछा है, तो गाइस सबसे पहले हम लोग फाई टी याद करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, घन के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई टी, होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा कुल वैद्युत फ्लक्स। तो ध्यान से समझिएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई टी मान लेते हैं बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। चलिए मान रखें क्यू का मान कितना है भाई
दो गुणे दस घाते माइनस छह। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है? एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे दस घाते माइनस 12। ये पावर छठों कट जाएंगे तो 5t बराबर क्या आ जाएगा? दो गुणे ये पावर जो माइनस छह यहाँ बचा था ऊपर चले गए, दस घाते कितना हो गए 6, यहाँ कितना बच गया 8.85 कुछ इतना बच गए। ध्यान से समझिएगा गाइस, अब हम इनको डिवाइड करते हैं, किनको? दो भागे 8.85 करते हैं गाइस, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा हमने कैलकुलेटर का उपयोग हम लोग करेंगे जिससे कि आसान हो जाए। देखिएगा क्या है, 2/8.85, तो आप भाग देंगे तो इनको भाग देंगे तो आपको मिलेगा 0.225 गुणे दस घाते कितने हो गए 6। ये 5t की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई गाइज? 5t की वैल्यू आ गई। अब हम करते क्या है, इस पॉइंट को एक अंक इधर लेके जाते हैं, तो एक अंक इधर लेके जाएंगे तो 2.2 मिल जाएगा, वहाँ से एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये 5t की मान आ गई न्यूटन मीटर इसका प्रति कूलम कितना आ गया। टोटल जो वैद्युत फ्लक्स होगा, टोटल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2.2 गुणे 10^5 न्यूटन मीटर इसका प्रति कूलम। ये पॉइंट एक अंक इधर ले गए, एक पावर कम हो गया, दो अंक उधर ले जाते तो दो पावर कम हो जाते, बात समझे। अब बात करते हैं घन के एक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब निकालते हैं घन के एक फलक से, घन के एक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान से, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई मान लेते हैं। क्या है फाई ई? ये क्या हो जाएगा, ये तो पूरे पृष्ठ से बात आई, हमने क्या कहा एक फलक से कितने फलक होते हैं 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे टोटल का, कितने का, टोटल का, तो चलिए मान रख देते हैं यहाँ 1/6। यहाँ 5t का मान कितना है, 2.2 गुणे 10 घाते कितना है 5 है, तो आप डिवाइड कर दीजिए गाइस। तो डिवाइड करने के बाद आपको आंसर कितना मिलेगा, इसको भी हम बता दे रहे हैं हल करने के बाद। अब देखिए 2.2 को आप किससे भाग दोगे, आप भाग देंगे 6 से, तो भाग देने पे कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 0.366 गुणे 10^5। एक अंक उधर लेके जाइए तो 3.6 गुणे 10^4 न्यूटन मीटर इसका प्रति कितना हो गया, कूलाम हो गया। तो फाई ई की वैल्यू आपको ये आ गई गाइस, यहाँ पर फाई ई की वैल्यू आपको यहाँ पर ये मिल गया। एक बार आपके एनसीईआरटी से क्या करते हैं, आंसर मिला लेते हैं, क्या आपको यही आंसर दिया गया है। तो गाइस ध्यान से समझिएगा, आपका जो टोटल वैद्युत फ्लक्स आया है वो बिल्कुल सही है, यही आपके आंसर दिए गए हैं, और जो आपके एक फलक से वैद्युत फ्लक्स पूछा गया है वो भी आपके आंसर सही आए हैं। तो गाइस आपको क्या करना था जानते हैं, आपको कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम का कोई एक आवेश है, तो भाई माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज कर लिए, और वो कोई एक घन के फलक, घन के केंद्र पे रखा गया है, और घन की भुजा 0.2 मीटर है। अब कह रहा है कि घन के पूरा वैद्युत फ्लक्स, घन से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स 5 टोटल मान लेते हैं, और एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये हो जाता है। फिर गॉस के नियम को लगा के हल कर लिए गाइस, तो इस प्रकार आपका जो 4 नंबर सवाल था वो भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग 5वें सवाल की तरफ क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आपका 5वां सवाल क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोली गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाई पड़ रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा, वैद्युत फ्लक्स अर्थात फाई ई बराबर है 750 न्यूटन मीटर इसका प्रति कूलाम है वैद्युत फ्लक्स, यदि ध्यान से समझिए, और त्रिज्या कितनी है गोली पृष्ठ की, 10 सेंटीमीटर है, ठीक। अब आगे कह रहा है, एक बात हम आपको बता दें, ध्यान से समझिएगा, आगे उस सवाल की चर्चा अभी बाद में करते हैं।
फाई ई जो होता है वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, अर्थात फाई ई बढ़ेगा कब, जब क्यू बढ़ेगा तब। फाई ई अनुक्रमानुपाती होता है क्यू के, उसके बाद फाई ई व्युत्क्रमानुपाती होता है एक बटे एप्सिलॉन नॉट के। क्या यहाँ पर कहीं त्रिज्या की बात हुई है, क्या इस फार्मूले में कहीं त्रिज्या वर्ड आया है, क्या इस फार्म फाई ई त्रिज्या पे निर्भर कर रही है? नहीं भैया, फाई ई जो है त्रिज्या पे निर्भर नहीं करता, बल्कि फाई ई क्यू पर निर्भर करता है। यदि आवेश का मान हम लोग बढ़ाएंगे तो फाई ई का मान बढ़ जाएगा, यदि एप्सिलॉन नॉट का मान घटा देंगे तो फाई का मान बढ़ जाएगा। अर्थात वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पे निर्भर नहीं करती किसी भी पृष्ठ के। तो यहाँ ये बात यहाँ लिख देंगे, आगे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहा है यदि पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दें तो पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा और बिंदु आवेश का मान क्या होगा? तो ये जो आपका मान माइनस में दिया गया, ध्यान से समझिएगा। तो भैया हम एक बात आपको बताएं, प्रश्न कह रहा है यदि पृष्ठ की त्रिज्या, यदि गोलीय, यदि गोले की त्रिज्या क्या कर दी जाए, दुगुनी कर दी जाए। यदि गोले की त्रिज्या क्या कर दे भैया, दुगुनी कर दे, क्या कर दे, दुगुनी कर दे। तो वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि वैद्युत फ्लक्स क्यू के अनुक्रमानुपाती होता है और एप्सिलॉन नॉट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ये त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। तो जो वैद्युत फ्लक्स पहले था वही वैद्युत फ्लक्स वही होगा। तो लिखेंगे अतः त्रिज्या चाहे दुगुनी कर दो, चाहे दुगुनी कर दो, त्रिज्या दुगुनी करने पर, दुगुनी करने पर विद्युत फ्लक्स, क्या विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स वही रहेगा माइनस 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। ठीक, अब बात करते हैं आगे का रहा, आपको आवेश का मान ज्ञात करना है, इसी के साथ साथ इसमें पूछा है आवेश का मान। तो ध्यान से समझिएगा, गॉस के नियम से, किसके नियम से, सेकेंड पार्ट की चर्चा कर रहे हैं इसके, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से अपने क्या पढ़ा है, फाई ई बराबर क्या पढ़े हैं, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट पढ़े, कितना पढ़े हो भैया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू की वैल्यू चाहिए, तो क्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू बराबर हो गया फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई ई का मान कितना है, ध्यान से समझिए, माइनस 750 है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 8.85 गुणे 10 घाते माइनस 12, ध्यान से ये पॉइंट काटे तो 100 लग गया। अब एक जीरो से कट गया, ठीक भैया, अब चलिए 5 दूनी कितना हो गया 10, और यहाँ 5 से कटा देंगे तो 15 आ गए। ठीक, अब आप क्या करोगे, आप भाग दे दीजिए, तीन को कटाओगे तो लगभग 7.5 आ जाएंगे, तो 7.5 गुड़े 885 गुड़े 10 घाते माइनस 12, ये क्यों आ गए भैया, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस में था आपका मान, ये माइनस थे, ये माइनस लग जाएंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर मिलेगा माइनस 6.64 गुणित 10 घाते माइनस 9 कूलम्ब, ये क्यू की वैल्यू आपको आ गई। चलिए गाइस पुनः फिर से चर्चा करते हैं इस सवाल को, क्या कह रहा था कि वो बोल रहा था ना कि ये कोई गोली पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब इस गोले से वैद्युत फ्लक्स कितना गुजर रहा, इतना गुजर रहा, कितना गुजर रहा, इतना गुजर रहा। अब बोला यदि त्रिज्या इसकी दुगनी कर दे, यदि गोला और बड़ा कर ले, तो क्या गोले से होकर वैद्युत फ्लक्स जो गुजर रहा वो मान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कितना होगा वो बताना था। तो भाई हम लोगों ने पढ़ा था कि गॉस के नियम से जो फाई होता है वो क्यू के अनुक्रमानुपाती और एप्सिलॉन नॉट के व्युत्क्रमानुपाती था, अर्थात वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पे निर्भर करती ही नहीं, तो त्रिज्या चाहे दुगुनी, तुगुनी, चौगुनी, आधगुनी, पांचगुनी, चाहे जो गुनी कर दो, वैद्युत फ्लक्स बदलेगा नहीं बदलेगा, तो वैद्युत फ्लक्स आपका पुराना ही वाला रह जाएगा। पर भाई साहब एक सवाल और पूछे थे,
कि नहीं होगा तो आप बताओ आवेश का मान क्या होगा। तो हमने पढ़ा था क्यू बराबर क्या होता है, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, मान रख के हल कर ली, क्यू की वैल्यू मिल गई 6.64 गुणे 10 घाते कितने हो गए -9। इस प्रकार गाइज आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे के सवाल को कंटिन्यू करते हैं। गाइज छठवा प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। सवाल पढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं ये यूपी 2019 में पूछा गया प्रश्न है, यूपी 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है, वो आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे। देखते हैं इस सवाल को कितने लोग लगा पाते हैं या कितने लोग नहीं लगा पाते। भाई कोई नहीं लगा पाओगे तो कोई बात नहीं यार, सवाल तो बहुत आसान है, हम लगाएंगे, आप भी लगाओगे, साथ साथ में लगाओगे, सब लोग मिल के लगाएंगे। एक अनंत लंबाई का एक असमान आवेशित सीधा तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ है। अर्थात हम बात करें रैखिक आवेश घनत्व, आपने अगर थ्योरी नहीं पढ़ा है तो भैया जाके थ्योरी वाली क्लास लीजिएगा। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से व्यक्त करते हैं जो कि होता है क्यू बटे एल, एकांक लंबाई में फैले हुए आवेश की मात्रा ही रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। लैम्डा बराबर आपको दे दिया 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति क्या हो गए, मीटर हो गए। इतनी बात समझ में आई। आगे कह रहा तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, भाई सेंटीमीटर आ गए तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दियो। उसके बाद कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए ई का मान। अब बताओ गॉस के नियम के अनुप्रयोग पे 2019 में प्यारा सा एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा सवाल पूछा गया है हमारे कक्षा 12 वाले के बच्चों के लिए। आज ये सवाल फिर से है, इमेजिन कीजिए कि आप 2019 के एग्जाम देते होंगे, दिए होंगे, तो ये आपको प्रश्न करना था उस समय। तो गाइस ध्यान से समझिए, रैखिक आवेश घनत्व के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है वो हमने थ्योरी में आपको पढ़ा के रखा है। आइए यहाँ लिख के हमने रखा है, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है क्या होता है, E बराबर 1/4πε₀ 2λr। ये फार्मूला आपको नहीं पता है कहां से आ रहा है तो आप थ्योरी क्लास जाके जरूर देखिएगा, वहां हमने बताया है ये फार्मूला कैसे आता है, विधिवते बता के रखा है गाइस, आप जरूर जाके देखिएगा। तो इतने पूरे का मान होता है 9×10⁹ और 2λ का मान आपको दिया गया है 10×10⁻⁸ और आर की वैल्यू आपके पास है 2×10⁻²। 2 से 2 की हुई विदाई, आइए -2 और 2 वहां से कट गए, कितने आ गए बोलो 9 × यहाँ कितना बचा है 10 बचा है, यहाँ कितना बचा है पावर 2 कट गए हैं, 10⁻⁶ बचा है और ये 10⁻ कितना बचा है 9 बचा है। अब बताइए 9 में से 6 घटा दियो कितना आ गया 9×10, 9 में से 6 घट गए 10³ आ गए पावर 1, 3 × 1 क्या हो गए 4, 9×10⁴ न्यूटन प्रति क्या हो गए कूलाम। तो E की वैल्यू गाइस यहाँ पर आ गई। इस प्रकार 2019 में पूछे गए प्रश्न को आपने चुटकियों में सॉल्व किया ना, तो भाई चुटकियों में सॉल्व किए एक लाइक तो बनता है ना यार। आप कम से कम इस वीडियो को जो है, आप टारगेट हमारा यही है गाइस कि आप जो है आप हद से ज़्यादा इस आप वीडियो की इतना प्यार दीजिएगा कि आपको जो है ये सीरीज लगातार चलनी चाहिए और ये सीरीज चलनी चाहिए। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। 7वें नंबर का आंसर तो मिला ही लीजिएगा, एनसीईआरटी से आंसर मिल रहे हैं जी, बिल्कुल हाँ आपके आंसर मिल रहे हैं, खुशी होनी चाहिए। तो गाइज आइए हम लोग 7वें नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं, जो कि 7वां भी बड़ी खुशी वाली बात है कि ये 2014 में पूछा गया है। यानी गाइज आज हम लोग जितने प्रश्न को चर्चा कर रहे हैं हर एक पहला दूसरा प्रश्न, पहला दूसरा अधिकतर यूपी बोर्ड में पूछा गया है। भाई यूपी बोर्ड में पूछा गया है, चलो पढ़ते हैं सवाल आपसे क्या करा। आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। तो भाई जो कह रहे हैं धातु की 2 पतली प्लेटें हैं एक दूसरे के समांतर हैं, कि इनके प्लेटों का जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है
प्लेटो का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है हम लोग उसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा बराबर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 1.77 × 10^11 कोलाम प्रति मीटर स्क्वायर ये दिया गया है, करा है तथा विपरीत चिन्हों का है, यानी जो प्लेट है इस पे प्लस क्यू होगा, इस पे माइनस क्यू होगा। आगे करें, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो गाइज जब समान प्लेट इनका यानी इनका पृष्ठी आवेश घनत्व सिग्मा है, इनका भी क्या है सिग्मा है, तो समान पृष्ठी घनत्व समान पृष्ठी आवेश घनत्व की दो समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है उस तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये भी डेरिवेशन हमने करा के रखा है, अगर नहीं देखे हो तो जाके वीडियो में जरूर देखिएगा, आपको समझ में ना आए तो जो कहोगे वो हम कर जाएंगे गाइस, आप जरूर समझ में आएगा, आपको ध्यान से समझिएगा। तो फार्मूला क्या है, ई बराबर कितना है भाई, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। चलो सिग्मा का मान आपके पास पड़ा हुआ है 1.77 × 10^-11 एप्सिलॉन नॉट का मान देखिए होता है 8.85 × 10^-12 ये पावर 12 से 12 कट जाएंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे 177/885 यहाँ से पावर एक कम हो यहाँ चलेगा ऊपर, ये पावर जो नीचे माइनस में था ऊपर चला गया, पावर क्या हो गया प्लस हो गए। तो गाइज इनको आप हल करेंगे, इनको क्या करेंगे आप हल करेंगे, तो 10 का गुणा कर देंगे तो 1770 और यहाँ 800 कितने हो गए 85 कटाओगे 2 आ जाएगा, तो ई बराबर आ गए 2 न्यूटन प्रति क्या हो गया कूलाम। तो गाइस इस प्रकार आप जो 2014 का प्रश्न पूछा गया था वो आप देखिए चुटकियों में सॉल्व कर लिए, केवल आपको फार्मूले तैयार हो, मैंने फार्मूला बगल लिख दिया है, आप बढ़िया सा वहाँ से आप इसको हर एक डेरिवेशन आप जाके आपको वीडियो की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, हर एक डेरिवेशन देख के आइएगा, फिर मुझे कहिएगा सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया अगर ये बात बोल दिए ना तो देख भाई समझ में आना ही आना है, इतने दावा के साथ करे तो भाई जाके एक बार तो देखो कुछ तो उसमें खास रहने वाला है, तब मैं बोल रहा हूँ। चलिए आगे चर्चा करते हैं आठवें नंबर का, तो स्क्रीन शॉट लीजिएगा आप इसका, आठवां नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धात की दो बड़ी प्लेटें, भाई 1 मीटर स्क्वायर यानी ए का मान दिया है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दे दिया है, धात की दो प्लेटें परस्पर अभिमुख है मतलब आमने सामने रखी हुई है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर अर्थात R की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया, इनको बदल दीजिएगा तो 5 × 10^-2 मीटर हो गए। ठीक आगे करा, तथा उनकी भीतरी पृष्ठों पर बराबर व विपरीत आवेश हैं, बराबर व विपरीत आवेश हैं, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन प्रति कूलाम है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन प्रति क्या है कूलाम है, तो प्लेटों पर वैद्युत आवेश की गणना कीजिए, क्यों का मान आपसे पूछ रहा है। तो गाइस ध्यान से समझिएगा सवाल क्या कह रहा है भाई, 1 मीटर इसका क्षेत्रफल का क्षेत्रफल की धात की दो प्लेटें परस्पर अभिमुख है, दो प्लेटें क्या है परस्पर आपके पास क्या है अभिमुख है, तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे बोलो, आप ये वाला फार्मूला लगा लो समान प्लेटों वाले प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे समान पृष्ठ घनत्व वाले क्या भैया घनत्व वाले प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, घनत्व वाले प्लेटों के बीच क्या प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता ध्यान से समझिएगा, तो क्या हो जाएगा E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा तो आपको पता नहीं है पूरे डेटा में, कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए, क्या ये मान यहाँ पर रख दें, चलिए रखते हैं E बराबर कितना आ गया क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट, चलिए मान रखते हैं E का मान आपके पास है 55, कितना है 55 और Q की वैल्यू तो ज्ञात करनी है, A का मान आपके पास 1 है और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10^12 कितना है 12,
आपको क्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू बराबर इनकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 55 गुणित 8.85 गुणे 10 घाते माइनस 12। गाइज इनको हल करते हैं, आप हल कीजिए, थोड़ा सा हम जो है इनको आपको कैलकुलेटर की मदद से कर देते हैं भैया। 55 गुणित 8.85 तो लगभग आपके आ जाएंगे गुणा करने पर Q बराबर 486.75 गुणे 10 घाते माइनस 12। दो अंक इधर ला दीजिए, ठीक, तो आप दो अंक इधर ला दीजिएगा। इस ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को दो अंक इधर लाएंगे तो यहाँ से दो जुड़ेगा, जब दो जुड़ेगा तो 10 ठुकम हो जाएंगे तो 4.8 गुणित 10 घाते माइनस 10, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। क्यू बराबर क्या आ गए कूलाम, क्यों प्लस माइनस होगा क्योंकि वो बोले थे प्लेटों पर विपरीत प्रकृति के आवेश है, समान तो है पर विपरीत है, तो जितना प्लस होगा उतना क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। गाइस फिर से ध्यान से समझिएगा, आपको क्षेत्रफल दिया गया था, दूरी दी गई थी प्लेटों के बीच की, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई थी, क्यू की वैल्यू ज्ञात करना था हम लोगों ने, ये फॉर्मूले लगाया, यहाँ सिग्मा मुझे नहीं पता था पर सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए, यहाँ रख के हम लोगों ने हल किया तो क्यू की वैल्यू ये आ गई। गाइज कहीं भी किसी भी कोई सवाल में अगर डाउट रह जाता है, अगर कहीं भी कोई डाउट नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा गाइज, और वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना क्योंकि आपको आज बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल है, अभी आपको बहुत ऐसी सवाल हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं, उन सवालों से मुलाकातें कराते हैं भैया, हर एक सवाल से मुलाकात कराएंगे। तो गाइस ध्यान से समझते हैं जरा सा, ये द्रव्यमान दिया गया है 0.002 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को चेंज कर लेते हैं केजी में, तो 0.02 गुणे 10 घाते माइनस 6 केजी आ गए, ये यम का मान आ गया। आगे क्या करा है, ये 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त है, एक तेल की बूंद है, ध्यान से समझिएगा, ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई ले लेते हैं, सवाल का थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र ई हो गए और इसमें तेल की एक बूंद लटकी हुई है, तेल की क्या है एक बूंद है, और ये जो बूंद का द्रव्यमान है वो इतना है और तेल पर जो आवेश है वो 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ध्यान से समझिएगा, तेल पर आवेश जो है वो किसके बराबर है, Q बराबर एन ई, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम, अर्थात Q की वैल्यू इतनी है। आगे करा है, स्थिर लटकी है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात ई ज्ञात करना है, इस E की वैल्यू ज्ञात करना है। गाइस ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या आवेश जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है उस पे दो बल लगता है, एक बल उसके द्रव्यमान के कारण लगता है और एक बल उसके आवेश के कारण लगता है, और दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो ये चीज लिखते हैं, क्या लिखेंगे, आवेश के कारण, इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण लगने वाला बल, कारण लगने वाला बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान के कारण, किसके कारण, द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल, द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल। जरा सा ये थ्योरी आप समझ लो, जब कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो आवेश के द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल, आवेश के चार्ज के कारण, आवेश के परिमाण के कारण जो बल लगता है, दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो बोलो इसके द्रव्यमान, इसके आवेश के कारण जो बल लगता है वो क्यू इंटू ई हो जाता है, क्यू इंटू ई हो जाते हैं, द्रव्यमान के कारण जो बल लगता है वो एम इंटू जी हो जाता है। अब ई की वैल्यू चाहिए तो क्यू को इधर कर दीजिए, क्या आ जाएगा एम जी बटे क्या आ जाएगा क्यू, एम जी बटे क्यू, चलिए मान रखते हैं
एम का मान कितना है, 0.02 × 10⁻⁶ है, और जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 होता है, और आपकी क्यू क्यू की वैल्यू कितनी है, 6 × 1.06 × 10⁻⁹। चलें जरा सा हल करने, ये देखो ये पॉइंट इस पॉइंट को काट देगा, ठीक। अब 6 यहाँ से कट जाएंगे तो पावर यहाँ -13 बच जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा गाइस, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कटेगा तो 1, 2, 3 यहाँ 10⁻³ कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा। आइए थोड़ा सा हल करते हैं, ऊपर क्या बचा, 2 बचा × 98, और 6 तो कट गया है, ध्यान से समझिएगा, और नीचे क्या बचा है, 6 × 16 बचा है, यहाँ 13 बचा है क्योंकि 6 कटे हैं, तो 10⁻³ − 13 × 10⁻³। अब 13 में से 3 घट जाएंगे, कितना आ जाएगा इसको हटाइए, 2 × 1 = 2 × 3 = 6 कट गए, ये कितना आ गया, 8 × 2 = 16, ये आ जाएंगे 2 × 4 = 8 और 2 × 9 = 18, आपके आगे 49, कितना आ गया 49, कितना आ गया 49, ऊपर कितना बचा 49 बचा है, 3 × 8 = 24, और ये देखिए यहाँ 13 में से 3 घट जाएगा, 10⁻⁶ आ जाएंगे, ये 10⁻⁶ को ऊपर लेके चले जाइए तो 48 / कितना आ गया 24, आइए 10⁻⁶ कितना आ गया +10, 24 × 1 = 24, 24 × 2 = 48। एक मिनट गाइस, यहाँ 49 है, कितना है 49 है, तो ये भी आप 49 कर देंगे तो 24 × 2 कितना हो जाएगा 48, लगभग 2 आएंगे गाइस, कितना आएगा, भाग देने पर आपको मिलेगा 2.04, इनको भाग देंगे तो 2.04 × 10⁻¹० न्यूटन प्रति क्या आ जाएगा कूलाम, ई की वैल्यू आपको मिल गई 2.04 × 10⁻¹० न्यूटन प्रति कूलाम। क्या करना था गाइस, फिर से सवाल को समझिएगा, ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। यम की वैल्यू दी गई थी, कोई तेल की बूंद है उसका द्रव्यमान दिया गया है 0.02 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को केजी में चेंज कर दिए, 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई, फिर करा तेल पर जो आवेश है वो 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर, कितना 6 इलेक्ट्रॉन के, तो 6 × e कर दिए, तो 6 × e कर दिए इतना हो गया, तो बोल रहा उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए जिसमें वो तेल लटकाया गया, तेल की बूंदें लटकी हुई है, तो हम जानते हैं ना इस तेल के बूंद के द्रव्यमान के कारण लगने वाला जो बल होगा वो उसके तेल के चार्ज के कारण लगने वाले बल के बराबर होगा, तो QE बराबर MG। अब हमको ये ज्ञात करना था, क्यों को इधर कर दिए, इस प्रकार गाइस आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप इसको एक बार नहीं दो बार जरूर अभ्यास कीजिएगा, मेरे कहने से गाइस इसको आप दो बार जरूर अभ्यास कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग इसको मूव करते हैं। तो गाइस चलिए 10 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा 10 नंबर क्या कर रहा है, 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र, अर्थात E की वैल्यू दी गई है, कितनी है 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, एक विद्युत क्षेत्र ये ऊपर की तरफ 1 × 10⁻⁴ किग्रा की जल की बूंदों को गिरने से रोकता है, कितना है भाई, यम का मान है 1 × 10⁻⁴ kg। अभी डायग्राम बना रहे हैं तो बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात क्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है। आप समझियो भैया, ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई ये ऊपर की तरफ लग रहा था, किधर की तरफ लग रहा, ऊपर की तरफ, और ये जो जल की बूंदे हैं, ये जो जल की बूंदे हैं वो जल की बूंदे जो है, इस जल की बूंदे इस वैद्युत क्षेत्र में गिरती है, तो ये वैद्युत क्षेत्र इस जल की बूंद को क्या कर लेता, रोक लेता है, तो बताओ इस जल की बूंद का आवेश कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि एक वैद्युत क्षेत्र में आवेश के द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल और आवेश के चार्ज के कारण लगने वाला बल दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो वही फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्या लिखेंगे, आवेश के कारण लगने वाला बल
तो लगने वाला बल हो जाएगा एफ, लगने वाला बल क्या हो जाएगा भैया, एफ बराबर क्यू इंटू ई, समीकरण नंबर एक। इसी प्रकार आवेश के द्रव्यमान के कारण जो बल लगेगा, आवेश के द्रव्यमान के कारण क्या, आवेश के द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल ध्यान से समझिएगा, तो लगने वाला बल होगा F बराबर m इंटू जी, समीकरण नंबर दो। दोनों की तुलना कर दें, समीकरण एक व दो की क्या कर दें, तुलना कर दें, क्या कर दें गाइस, तुलना कर दें, तुलना करें तो ये दोनों, ये पक्ष बराबर हैं तो ये दोनों पक्ष भी बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा बोलो भैया, Q इंटू ई बराबर हो जाएगा एम इंटू जी। आपको क्या ज्ञात करना, क्यों ज्ञात करना, तो इनको उठा के इधर कर दीजिए, एम जी अपान कितना आ गया, ई आ गया। चलिए एम जी का मान रखते हैं, एम का मान है 10^-4 और जी का मान है 9.8 और कैपिटल ई का मान है 4×10 कितना भैया बताओ, 5 है। चलिए ध्यान से समझिएगा, अब हम करते क्या है, ये पॉइंट जो है अब इनको क्या करते हैं, हल करते हैं, तो 9.8 कितना हो गया 4, 9.8/4 ये गुणे 10^-4 है, ये ऊपर चले गए, ये 10^-5 हो गए। ठीक, आगे हल करते हैं जरा सा, तो ये भाग दीजिए तो लगभग आपको भाग देने पर गाइस प्राप्त होगा 4×2=8, तो मान लिया जाए 2 आएगा लगभग, कितना आएगा 2×, कितना आ जाएगा ध्यान से समझिएगा, आप भाग दे लेते हैं जरा सा, आइए देखते हैं, दो दशमलव चार पाँच, इनको भाग देने पे आएगा Q बराबर 2.45×4 और 5 जोड़ दिए 10^-9 कूलम। तो गाइज इस प्रकार आपका जो 10वां नंबर सवाल था वो कंप्लीट हो जाता है। क्या था कि कोई जल की बूंद जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र पे गिरता है तो वो वैद्युत क्षेत्र उसे रोक लेता है, तो पूछ रहा है उस बूंद पर आवेश कितना होगा, तो हमने नियम क्या लगाया कि जो आवेश के कारण बल लगेगा और जो द्रव्यमान के कारण बल लगेगा दोनों बराबर होंगे, क्यू ई बराबर एम जी, यहाँ से क्यू की वैल्यू हम लोगों ने हल करके निकाल लिए। तो गाइज इस प्रकार के सवाल आपका जो 10वां नंबर वो कंप्लीट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अब हम लोग आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं। ठीक गाइज, आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की, मित्तल की 11वां नंबर प्रश्न क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा ज्ञात कीजिए जो कि अल्फा कण को संतुलित कर सके, और अल्फा कण का मान, अल्फा कण का द्रव्यमान आपको दिया गया, ध्यान से समझिएगा, आपको यहाँ पर उपलब्ध है अल्फा कण का द्रव्यमान कितना, अल्फा कण का द्रव्यमान आपको दिया गया गाइस, कितना दिया गया है 6.68×10^-27 तथा अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण पर आवेश आपको दिया गया है, अल्फा कण का आवेश कितना है वो आप देख सकते हैं, अल्फा कण का आवेश जो है +3.2×10^-19 कूलम है। आगे कह रहा है वैद्युत क्षेत्र ई का मान आपको ज्ञात करना है, उस विद्युत क्षेत्र ई का मान आपको ज्ञात करना है जो कि क्या कर सके, जानते हैं तीव्रता का मान और दिशा दोनों ज्ञात करना, दोनों ज्ञात करना है, और जो इस अल्फा कण को क्या कर सके, संतुलित कर सके, अर्थात आपको E की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा कि अल्फा कण आवेश है, जब ये वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, एक मिनट ऐसे समझ लीजिएगा कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र हो गया E, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई हो गया। ठीक, अब इसमें जैसे ही कोई अल्फा कण, जैसे ही कोई अल्फा कण इसमें प्रवेश करेगा, तो प्रवेश करने के बाद उस वैद्युत क्षेत्र का मान मुझे ज्ञात करना है, इस कैपिटल ई का मान ज्ञात करना है जो कि इसको क्या कर सके, संतुलित कर सके, इस अल्फा कण को संतुलित अवस्था में रख सके। तो ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे, हम जानते हैं जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है
तो उसके आवेश के कारण जो लगने वाला बल होता है और उसके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल जो होता है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात QE बराबर mg इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो गाइस यहाँ कौन सा उपयोग कर रहे हैं हम लोग, QE बराबर कौन सा mg, आपको ये E ज्ञात करना, तो Q किधर कर देंगे, E बराबर कितना हो जाएगा mg अपान कितना हो जाएगा स्मॉल Q, m का मान अल्फा कण का द्रव्यमान हो जाएगा 6.68 गुणी 10^-27 है, फिर g का मान कितना है 9.8 है, फिर उसके बाद Q का मान कितना है 3.2 गुणे 10^-19। ये पॉइंट आप इस पॉइंट से काट देंगे, उसके बाद -19 ये कट जाएंगे, यहाँ 8 बच जाएगा, यहाँ 6.68 बट्टे कितना है 32 और वहाँ गुणे कितना है 98 और यहाँ कितना बचा है 10^-8। तो गाइज आइए हम लोग इसको हल करते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की बचत होगा। ठीक, तो गाइज देखिएगा, अब 6.68 गुणे 9.8 करते हैं, तो गुणा करने के बाद आप इनका गुणा किए तो 6454 आए, गुणा किए तो 6454 बटे कितना है 32 है गुणे 10^-8। अब इसको हम लोग भाग कर देते हैं 32 से, तो 20.45 कितना आ जाएगा 20.45, इनको डिवाइड करने के बाद गुणे 10^-8 आ गए। ठीक, अब हम क्या करते हैं गाइस, इसको एक अंक इधर की तरफ लाते हैं, तो एक अंक इधर की तरफ लाएंगे तो वहाँ एक अंक प्लस हो जाएगा, घात एक प्लस हो जाएगा, 2.04 गुणे 10^-7 ये आ गए न्यूटन, क्या भैया न्यूटन प्रति कूलाम। इस प्रकार गाइस ये प्रश्न आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एक बार आपके एनसीईआरटी से इसका आंसर आप जरूर मैच करा सकते हैं गाइस, आंसर मैच कराने के बाद पुनः आप इसको जो है एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। तो गाइज आप लोगों का आंसर आया है यहाँ पर, देखिए आपने ये यहाँ पर थोड़ी सी आपका क्या हुआ कि जब पॉइंट को एक अंक इधर लाए तो यहाँ पर एक पावर क्या होगा माइनस में होगा, तो माइनस बढ़ेगा तो 8 क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ तो 8 कितना हो जाएगा 9, तो -9 न्यूटन प्रति कितना हो जाएगा कूलाम। तो ध्यान से आप समझिएगा क्या था कि सवाल ये था कि अल्फा कण है उसका द्रव्यमान दिया गया और उसका मास दिया गया, कितना दिया गया 6.68 × 10^-27 दिया गया, फिर उसके बाद उसका आवेश दिया गया 3.2 × 10^-19 कूलाम। अब ये जो अल्फा कण है वो एक वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है जो कि वैद्युत क्षेत्र ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है, ऊर्ध्वाधर क्या है ऊपर की तरफ है। अब क्या कर रहा है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है इस अल्फा कण पर, इस वैद्युत क्षेत्र का मान कितना हो कि ये अल्फा कण उस पर संतुलन की अवस्था में हो। तो भाई उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाए कि हमको पता है कि जब कोई आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके कारण जो लगने वाला बल होता है उसके द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल के बराबर होता है, अर्थात QE बराबर mg। यहां से Q को ट्रांसफर कर दिए, E बराबर mg अपान Q मिल गए, Q मिल गए, सारे वैल्यू हमने रखा तो हमको E की मान हो गए 2.04 × 10^-9 न्यूटन प्रति कूलम। अर्थात इतना वैद्युत क्षेत्र रहेगा और ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ रहेगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा, तब ये अल्फा कण संतुलन की अवस्था में होगा। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग अगले सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा 12 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत बढ़िया बात है, ये यूपी 2010 में प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा यूपी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है, 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, अर्थात E की वैल्यू आपको दी गई है। देखिएगा स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा है, वहीं से हम ले रहे हैं E की वैल्यू कितनी है, 500 न्यूटन प्रति कूलाम है, 10^-4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद है, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या अर्थात स्मॉल r कितनी है 10^-4 सेंटीमीटर, स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी हुई है, जल के बूंद के आवेश की गणना करना है, अर्थात
जल के बूंद पर आवेश की गणना करना अर्थात क्यू ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्यू ज्ञात करना है। बढ़िया सा लाजवाब प्रश्न पूछा गया 2010 में। गाइस जरा सा भी नहीं डरना, आप पहले इमेजिन करो कि प्रश्न आपसे क्या कह रहा, कोई जल की बूंद है और जो कि इतने वैद्युत क्षेत्र में क्या हुआ, लटका हुआ है। अब उस जल की बूंद पर आवेश की वैल्यू ज्ञात करना है, तो ही प्यारा सा वाला फार्मूला लगाएंगे, QE बराबर क्या होता है, mg होता है। तो इसी फार्मूले से हम लोग इसको यहां पर निकालेंगे। पर गाइज आप ध्यान से अगर देखेंगे, यहां पर आपको जो है R दिया गया, क्या दिया गया, R दिया गया है। अब अगर आप ये फार्मूला लगाते हैं, यहां से यदि आप ये फार्मूला लगाते हैं, तो ना तो आपको द्रव्यमान पता है, ना तो आपको वहां पर ना तो आपको द्रव्यमान दिया ही नहीं गया, तो आप द्रव्यमान कहां से निकालोगे गाइज। तो ध्यान से समझिएगा, तो गाइज ध्यान से समझिएगा, एकदम बेहतरीन सवाल पूछा गया है। वो सवाल आपका क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है और उस बुद्ध की त्रिज्या दी गई है, उस बुद्ध पर आवेश का मान ज्ञात करना है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही प्यारा सा QE बराबर क्या हो गया, mg। यहां से मुझे Q की वैल्यू ज्ञात करना है, तो mg अपान कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। चलें mg अपान कितना हो जाएगा, E, थोड़ा सा बढ़िया से E बना लीजिएगा, mg अपान E। तो आइए सब मान रखते हैं, यम वहां क्या है, द्रव्यमान है, यम क्या है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान बराबर आपने पढ़ा है घनत्व गुणे आयतन, क्या पढ़े हैं, घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व को रो से व्यक्त करते हैं और आयतन को वी से व्यक्त करते हैं, और वी बराबर होता है किसी भी गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है, 4/3 πr³ अर्थात m के स्थान पे ये चीज मिल गया, फिर इंटू कितना है, जी है, फिर पूरे के बटे कितना है, पूरे के बटे ई है। अब यहाँ पर मान रखेंगे, तो एक बात बताएगा इस, ये रो जो होता है ये घनत्व होता है, क्या होता है, ये घनत्व होता है, जो कि किसके बराबर होता है, 10³, किसके बराबर है, 10³, तो यहाँ 10³ रख देंगे, यहाँ 4/3 पाई का मान कितना है, 3.14, और आर का मान कितना है, 10⁻⁴³, और जी का मान 9.8, और पूरे के बटे कितना, ई का मान कितना है, 500, कितना है, 500। चलिए इसको हल करते हैं, ध्यान समझिएगा, ये 10³ आ गए, ये 4/3, ये 3 यहाँ नीचे ला दीजिएगा, तो यहाँ आ जाएगा 500 गुणे कितना, 3, और ऊपर कितना, 3.14, उसके बाद 4 × 12, तो पहले इसको लिख लेते हैं, 9.8, फिर गुणे 10⁻²। ध्यान से देखिएगा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से गाइस अच्छे तरीके से देखिएगा, ये 10³ से ये काट देंगे, तो यहाँ 9 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, तो आपके सामने मिल जाएगा 4 × 3.14 गुणे 9.8, वहाँ 10⁻⁹, और 500 × 3 कितना, 1500। तो गाइस ध्यान से समझिएगा, अब देखिए ये पॉइंट आप काटोगे तो एक डबल जीरो बढ़ जाएगा, ये पॉइंट काटोगे तो एक जीरो और बढ़ जाएंगी, तो यानी आप उतना गुणा करके आप भाग दे सकते हैं। तो चलिए हल उल करने के बाद आपको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेटर की मदद लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अब क्या करते हैं, 4 × 314 करना है, 314 × 98 करने हैं, तो सारा चीज़ इतने चीज़ों का मल्टीप्लाई करोगे तो 123 0 88, ठीक, 123 0 88, और गुणे 10⁻⁹। ध्यान से 1 2 3 4 5 5 0 है, 15 × 10⁵ कर लिए, ये चीज पावर को ऊपर लेके चले जाओ और बाकी को 15 से भाग कर दो, 15 से भाग करोगे तो 82.05 आएगा, ध्यान से इधर समझिएगा। अब इनको आप डिवाइड किए कितना आ गया, 82.05.86, और ये 10⁻⁹ आपका 9 है, ये ऊपर गए तो 10⁻⁵ हो गए, कोई दिक्कत, आइए हल करते हैं, ये 82
05.86954514 1 2 3 अंक आ रहे हैं तो उधर तीन ठो माइनस में जुड़ जाएंगे तो 8.20×10^14 हो गए। ये आ गए कूलाम। ये क्यू की वैल्यू आई उस बुध पर आवेश इतना आएगा। एक बार एनसीईआरटी में आंसर आप जरूर मिलाइएगा, क्या आपका जो आंसर है वो मैच कर रहा है। चलिए एक बार मैच करा लेते हैं। तो गाइस ध्यान से समझिएगा, जी बिल्कुल आपका आंसर आया है 8.20×10^-17 कूलाम, तो आपके एनसीईआरटी से आंसर मैच कर रहा है। एक बार पुनः कंप्लीट करते हैं सवाल को। क्या कह रहा था कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ई आपको दिया गया है, उसमें कोई एक बुध जो है लटकी हुई है, उस बुध की त्रिज्या दी गई थी और बुध किसकी है, जल की है, तो उस बुध पर आवेश का मान ज्ञात करना था। तो जब वो बुध जो है कहाँ जल में लटकी हुई है तो बुध पर आवेश है, तो आवेश के कारण जो बल लगेगा और उसके द्रव्यमान के कारण जो बल लगेगा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो भाई क्यू ई बराबर क्या हो गया, एम जी। यहाँ से ई को पक्षांतर कर दिए, क्यू बराबर एम जी अपान ई आ गए। अब हमारे पास G की वैल्यू पता था, E की वैल्यू पता था, पर M नहीं पता था। तो हमने पढ़ा द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन, तो घनत्व को रो से, आयतन को 4/3 πr³ से, तो रो की वैल्यू 10^3 थी। यहाँ रख कर हल किया गया गाइज, हल करने के बाद आपको जो है ये आपको वैल्यू मिल गई। तो इस प्रकार 2010 में जो पूछा गया प्रश्न था वो इस प्रकार आप हल कर सकते हो गाइज। 13 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 13 की चर्चा करते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। एक आवेशित तेल की बूंद को ये समझिएगा, ऐसे विद्युत क्षेत्र हो गए। पहले आपको डायग्राम बनाते हैं और फिर उसके बाद पढ़ते हैं सवाल को, फिर समझाते हैं। एक आवेशित तेल की बूंद को 3×10^4 अर्थात ये ई है, इसकी वैल्यू आपको दी गई है। ई की वैल्यू है 3×10^-4 10^+4 है न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। ये कोई तेल की बूंद है, ये कोई मान लेते हैं क्या है, थोड़ा सा आप लोग बनाइएगा बढ़िया से। ये कोई एक तेल की क्या है, बूंद है। ये जो तेल की बूंद है ये इस वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में रखा गया है, अर्थात इसके कारण, इस बुध के आवेश के कारण लगने वाला बल और बुध के द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल आपस में बराबर होगा, तब ये संतुलन की अवस्था में होगा। तो ये संतुलन की अवस्था में लटका के रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान, इस बुध का द्रव्यमान 9.75×10^-16 kg हो तो उस पर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, अर्थात Q बराबर ज्ञात करना है, बुध पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं अर्थात N भी ज्ञात करना है। बढ़िया सा, लाजवाब सा, एकदम जबरदस्त प्रश्न आया है। चलो हम लोग इसको हल करते हैं भाई, फटाक से हल करेंगे, चुटकियों में सॉल्व करेंगे गाइस। ध्यान से, कौन से फार्मूले से भाई, क्यू ई बराबर हो गए एम इंटू जी, क्योंकि संतुलन की अवस्था में विद्युत बल और द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है, क्यू बराबर हो जाएगा एम जी अपान ई। चलिए एम का मान रखते हैं 9.75×10^-16, जी का मान 9.8 और ई का मान कितना है, 3 है, और उसके बाद गुणे 10^ कितना है, 4 है। ध्यान से समझिएगा गाइज, अब क्या करते हैं, ये आप पॉइंट यहाँ से काटोगे तो 10^2 लग जाएंगे, क्योंकि इतना आपको आना चाहिए। यहाँ 1 लगाएंगे, आगे 2 ठो 0 लगा देंगे जिसे हम लोग 10^2 कर दिए, और ये पॉइंट काटे 1 10 लग गए, ठीक। तो आपके सामने क्या मिला, 975×98 और × 10^-16, यहाँ 3 बचा है, 4 2 6 1 7, 10^ कितना बचा है, 7 बचा है। ध्यान से समझिएगा गाइज, अब हम क्या करते हैं, इसको 3 3 9 3 2 6 3 5 15 कितना, 3 5 15
तो आपके पास कितना मिल गया 325 गुणे 98, यहाँ 10 घाते माइनस 16, ये 7 ऊपर चले जाएंगे तो 10 घाते माइनस 7 हो जाएगा। गाइस चलिए मल्टीप्लाई करते हैं जरा सा, तो चलिए गाइस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग और ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 5 गुणे 9 8, तो गुणा करेंगे तो 31 850 आएगा, 31 850 और 16 7 23, 10 घाते माइनस 23, तो 1 2 3 4, 4 अंक इधर आ रहे हैं, 3.18, 4 अंक आपने इधर आया तो कितना आ जाएगा 10 घाते 23 में से 4 ठो घट जाएंगे माइनस 19 कूलम, तो क्यू की वैल्यू आपको ये मिल गई। कितनी मिल गई? क्यू की वैल्यू आपको ये मिल गई। गाइस ध्यान से समझिएगा, क्यू की वैल्यू आपको क्या मिल गई? इतना मिल गया। अब आप जरा सा समझिए, आपको क्यू तो ज्ञात हो गया पर आपसे पूछ रहा था कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एन बराबर होता है क्यू बटे ई, क्यू का मान कितना है 3.18 है, इसे हम लगभग 3.2 मान लेते हैं, 3.18 को लगभग 3.2 मान लें, गुणित 10 घाते माइनस 19 और e की वैल्यू 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19, दोनों कैंसिल, ये इनसे कट गए 2, n बराबर कितने आ गए 2, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो गाइज एक बार पुनः सवाल को हम समझते हैं, सवाल आपसे क्या कह रहा था कि कोई वैद्युत क्षेत्र E है 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई जो है जल की जो बूंद है संतुलित अवस्था में लटकाई हुई है, अर्थात इस बूंद के द्रव्यमान के कारण और बूंद के आवेश के कारण लगने वाले बल दोनों क्या संतुलन की अवस्था में है, तो भाई क्यूब ई बराबर क्या लगा दी एम जी, संतुलन की अवस्था के लिए फार्मूला है, ध्यान से समझिएगा क्यू ई बराबर क्या होता है एम जी, यहाँ से क्यू की वैल्यू ज्ञात करनी थी तो ई को पक्षांतर किए एम जी बटे ई आ गए, वैल्यू रख दिए, सबको हल किए, क्यू की वैल्यू 3.18 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम आया। अब मुझे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना था, एन बराबर क्यू बटे ई होता है, तो ये 3.18 को लगभग 3.2 मान लिया गया, तो गाइज आपने उसे हल किया तो एन बराबर 2 आ गए। तो गाइज इस प्रकार आपका जो 13 नंबर प्रश्न था वो कंप्लीट होता है। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, और जिस टॉपिक पर आपकी डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा उस टॉपिक पर अलग से आपको एक वीडियो बनाए जाएंगे गाइज, तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा, तो गाइस प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं, क्या आपसे कह रहा है, तेल की एक बूंद है जिस पे 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है 12 इलेक्ट्रॉन, कितने 12 इलेक्ट्रॉन है, और वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी हुई है, ये जो तेल की बूंद है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में 2.55 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है, तेल का घनत्व दिया गया है, तेल का घनत्व तो ये रो का मान आपको दिया गया है 1.26 गुणित 10 घाते गुणित भैया 10 घाते 3 के ग्रा प्रति मीटर क्यूब है, बूंद की त्रिज्या यानी स्मॉल आर की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो बढ़िया सा लाजवाब सवाल है, चलिए हम लोग इनको क्या करते हैं हल करते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको n दिया गया है तो सबसे पहले q निकाल लेते हैं, q बराबर होता है n e, n का मान 12 है, e का मान 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 है, तो q की वैल्यू आपको, तो ये सारे चीज़ इधर आने चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपको क्या मिलेगा q e बटे, ये इधर आएंगे तो बटे हो जाएगा रो, क्या हो जाएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए एक मिनट गाइज, ऐसे ये रो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ये 4 में है तो यहाँ आ गए, और जो ये 3 है ये भाग में चले जाएंगे क्योंकि इधर भाग में तो उधर गुणा हो जाएंगे, ये पाई, फिर उसके बाद आर क्यूब को उधर ही रहना है,
गुणे कितना हो जाएगा, जी बराबर हो गए आर क्यूब। ध्यान से समझिएगा, अब क्या करना है, जो चीज आप इधर क्यूब है, जब इधर से क्यूब लगाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा, यानी क्यूब रूट लग जाएगा। तो 3QE बटे कितना हो जाएगा, रो गुड़े 4 गुड़े पाई गुड़े जी। ठीक, अब आप ध्यान समझिए, ये आर क्यूब हो गए, सॉरी यहाँ से क्यूब तो हट गया, तभी तो इधर क्यूब रूट लगा है। अब सबका मान रखते हैं गाइज, तो सबका मान रखते हैं, क्या आ जाएगा, 3 गुड़े क्यू का मान कितना है, 12 गुड़े 1.6, 12 गुड़े 1.6 गुड़े 10^-19, और ई की वैल्यू कितनी है, 2.55, 2.55 गुड़े 10^4, और पूरे के बटे कितना है, रो, रो का मान कितना है, 1.26 गुड़े 10^3 है, और 4 मल्टीप्लाई में पाई का मान 3.14 गुड़े जी का मान 9.8। ठीक गाइज, तो इस प्रकार अब आप इन सब को हल करने पर, हल करने पर गाइज, हमने हल पहले से करके रखा है, हल करने के बाद आपको क्या मिलेंगे वो देखिएगा, हल करने के बाद आपको मिलेगा, इनको ध्यान से समझिएगा, आपको हल करने के बाद क्या मिलेगा, आर क्यूब हो जाएंगे 9.46। ये सब हल करेंगे तो 946.09 गुड़े 10^-21 आ जाएगा, ये मिल जाएगा। और जब ये चीज़ क्यूब रूट से बाहर आएगा, जब ये चीज़ आपका क्यूब रूट से बाहर आएगा, इसका घनमूल निकालोगे तो आपका आ जाएगा 9.82, और ये 10^-7 बराबर कितना हो गया, आर, बराबर कितना हो गया, आर हो गया। तो ध्यान से समझिएगा, ये क्यूब यहाँ से हट गया है, ये क्यूब आप यहाँ नहीं लिखना है, तो आपको ये मिल गए, आर का मान कितना मिल गया, 9.82 गुड़े 10^-7। अब हम इनको मिमी में चेंज करना चाहे तो 9.82 यहाँ से 3 ठो कम कर दीजिएगा, 10^-4 मिमी आ गए, ये मीटर में था, ये किस में आ गया, मीटर में, दोनों में आपको आंसर मिल गए, ये आपके मीटर में आए थे, ये किस में आ गए, मिलीमीटर में आ गए। तो गाइज क्या करना, ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करा है कि कोई जल की बूंद है, उसमें 12 इलेक्ट्रॉन अधिक है, और वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकाई जाती है, संतुलन की अवस्था में लटकी हुई है। अब उसका द्रव्यमान नहीं दिया, घनत्व तो दे दिया, अब आर आपको ज्ञात करने के लिए कह दिया, त्रिज्या, सबसे पहले हमने क्यू ज्ञात किया, क्यू बराबर एन ई होता है, 12 गुणे इलेक्ट्रॉन बराबर आवेश ई के। उसके बाद संतुलन की अवस्था में फॉर्मूला लगाते हैं, क्यू ई बराबर एम जी, क्यू ई बराबर एम का मान नहीं पता था तो घनत्व गुणे आयतन लगा लिए, इंटू जी रख दिए, अब सबको इधर कर दिए, तो जो तीन था ये भाग में था, इधर गुणा हो गया 3QE, और बाकी सारे चीज बटे में आ गए, आर क्यूब हो गए। इधर से क्यूब हटा तो इधर क्यूब रूट लग गए, बाकी आपको सम्मान रख के हल किया गया, इन दोनों को हल किए गाइस, ये आया। आप घर पे खाली हैं, बैठे हैं, आराम से बढ़िया से कैलकुलेटर उठाइएगा और हल कीजिएगा, आपको वो मान मिलेगा आपको। ठीक, तो आर बराबर ये आपने हल किया, ये मीटर में आ गए, ये मिलीमीटर में आ गए गाइस। सवाल को अभ्यास जरूर कीजिएगा आप, क्योंकि ये ऐसे सवाल आपके कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे के सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस 15 नंबर की बात करते हैं, जो कि यूपी 2010 में पूछा गया है, यूपी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है, करा 0.1 मीटर त्रिज्या की एक गोली चालक है, आर का मान दे दिया गया, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा 0.1 मीटर, गोली चालक को कितना आवेश दे दें, अर्थात क्यों आपको पता नहीं है वो दे दिया जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो है 900 न्यूटन प्रति क्या हो जाए, कूलम, 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए, ये आपको पूछ रहा है। तो गाइस आपसे कह रहा ये, तो अब देखिए किसी जब गोले पर आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, तो वो आवेश ज्ञात करना है, तो गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये होता है, यही फार्मूला उपयोग करेंगे। ई बराबर हमने क्या पढ़ा है, 1/4πε0Q/r2, इतने पूरे का मान होता है 9×10^9, और ये क्यू आपको ज्ञात ही करना है, आर का मान हमारे पास है। तो ध्यान से समझिएगा, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम ये लिख सकते हैं 1×10^-1 मीटर। आप समझिए
क्यों लिखे? क्योंकि आप पॉइंट काटे, 10 लगाए, 10 ऊपर चले गए, 10 घात के माइनस 1 हो गए, तो 1 गुणे 10 घाते माइनस 1 का क्या कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए। ई का मान आपको पता है कितना, पता है 900, कितना है 900। अब इसी को आसानी से हल करते हैं, 9 × 1 = 9 और 100 × 9 कितने हो गए 900, ठीक। ये आ गए 100 × 10⁻⁹ गुणे क्यू बटे, 1 का गुणा दो बार करो कोई मतलब नहीं, 10 घाते इनका गुणा कर दिए, 10 घाते माइनस 2 आ गए, ठीक। ये चीज ऊपर लेके जाते हैं, ये चीज ऊपर लेके जाते हैं, और 100 को लिख सकते हैं 10⁻² और ये 10⁻⁹। ये चीज जब ऊपर गए तो प्लस हो जाएंगे 10⁻² और गुणे कितना आ गया क्यू। अब देखिए 10⁻² से 10⁻² कैंसिल हो गए, इधर 1 बचा है और इधर 10⁻⁹ गुणे क्यू बचा है। ये चीज यहाँ आ जाएंगे तो बटे में आ जाएंगे 10⁻⁹ बराबर क्यू, ये चीज ऊपर गया तो 10⁻⁹ कूलाम बराबर क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁹ कूलाम। तो गाइस जो 2010 में आपसे प्रश्न पूछा गया था वो आपका आंसर ये हो गया, क्यू बराबर कितने आ गया 10⁻⁹ कूलाम। क्या करना था कि आज 0.1 मीटर त्रिज्या की कोई गोली चालक था उस पर हम कितना आवेश दे दे कि इतना वैद्युत क्षेत्र हो जाए, तो हमने इसको 1 × 10⁻⁹ में कन्वर्ट किया, ये फार्मूला लगा हल किए तो आपको ये मिल गए। तो गाइस इस प्रकार आपका 15 नंबर सॉल्व क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं 16 नंबर की, जो कि बेहतरीन एक बढ़िया है, और इसी सवाल के साथ ये जो विद्युत फ्लक्स और गॉस के नियम पे जो भी सवाल है वो खत्म हो जाएंगे। गाइज आपके मित्तल के जितने प्रश्न थे हमने सॉल्व करा दिया, ठीक। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। तो गाइज प्रश्न नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, हम पढ़ रहे हैं आप मिलाते चलिएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की धातु का एक चालक गोला है, अर्थात R = आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया, इसे मीटर में 10 × 10⁻², दो में से एक घट जाएगा तो 10⁻⁹ मीटर आगे आगे कर रहा है। 1 μC का आवेश एक समान रूप से पूरे गोले के आयतन में फैला, Q का मान है 1 μC, तो इसे चेंज करेंगे 1 × 10⁻⁶, ठीक। आगे कर रहा है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है, किस किस पॉइंट पे करा, पहला गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो चलिए फार्मूला वही उपयोग करने वाले हैं, यहाँ R बराबर क्या उपयोग लाएंगे, 20 सेंटीमीटर, जो कि 20 गुणे क्या हो जाएगा 10⁻²। तो ध्यान से समझिएगा गाइज, इस बार हमारे पास फार्मूला है E बराबर 1/4πε₀ q/r². चलिए इतने पूरे का मान 9 × 10⁻⁹, q का मान हमारे पास है 10⁻⁶ और R का मान है 20 × 10⁻²² का होल स्क्वायर, इसी को हल करना है। चलिए 9, ये 9 में से 6 घट गए 10⁻³ और 20 का गुणा दो बार करोगे तो 420, विषम में 400, 2 × 2 = 4, 10⁻⁴। ये चीज़ ऊपर चले गए तो कितना हो जाएंगे, 9 × 10⁻³ और 10⁻⁴, ये आगे 4 और गुणे, ध्यान दीजिए 400, ये 2 0 दो पावर यहाँ से कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, 9/4 × 10³ और 1, यहाँ क्योंकि 2 कम हुआ है 2 बचा, 3 × 2 = 5, 10⁵ भाग देंगे तो 2.25 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। तो जो भी गोले से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो आपको ये प्राप्त हो गई, ठीक गाइस। फिर आगे कह रहा सेकेंड पार्ट, गोले के पृष्ठ पर, सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र हो जाएगी, अर्थात R बराबर आपको त्रिज्या ही लेके चलना पड़ेगा। तो गोले के पृष्ठ पर अर्थात R बराबर 0.1 मीटर, जिसे हम लोग क्या लिख दिए हैं, सॉरी 10 सेंटीमीटर, क्या है 10 सेंटीमीटर है, R बराबर 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10 × 10⁻², बराबर 10⁻⁹ मीटर, ये लेके रखेंगे R बराबर 10⁻⁹ मीटर। चलिए फॉर्मूला रखते हैं, इस बार E बराबर क्या हो गया, 1/4πε₀ q/r² इतने पूरे का मान 9 × 10⁹, q का मान 10⁻⁶
आर का मान है 10^-1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करते हैं गाइज, ध्यान से, 9×10^9 ये 10^-6, इसका 2 बार गुणा करेंगे तो 10^-2, ये से ये कट जाएगा तो वहाँ पावर 4 बच जाएगा। 9×10^9 और 10^-4, 9 में से 4 घट गए, 9×10^5 न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार गोले के पृष्ठ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक, अब आपका थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, थर्ड पार्ट आपसे पूछ रहा है गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, तो गाइस ध्यान से समझिएगा, गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, तो ये इसका थर्ड पार्ट है, गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर भीतर ना, तो भाई क्या हो जाएगा, आर बराबर जाएगा 4 सेंटीमीटर, इसे चेंज कर देंगे तो 4×10^-2 मीटर आ जाएगा। फिर वही फार्मूला लगा देंगे, ई बराबर 1/4π0 Q/r2। तो गाइस सबका मान रख दीजिएगा, 9×10^9, क्यू का मान 10^-6 है और ये 4×10^-2 का होल स्क्वायर। तो गाइस आप इसे हल कीजिएगा और हल करने के बाद इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपके आंसर क्या आए हैं। तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा, आप इसे हल करेंगे, हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। ठीक ना, तो इसी सवाल के साथ आज की जो मित्तल की जो सीरीज थी वो समाप्त हो गई। आपको विद्युत फ्लक्स और गॉस के नियम पे मित्तल में जितने प्रश्न थे आपको सॉल्व करा दिया गया। अगर गाइस कहीं भी किसी भी सवाल में कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो देखने के बाद जो भी सवाल है नहीं समझ में आती तो आपसे निवेदन ये है कि आप उस वीडियो को दोबारा एक बार जरूर देखिएगा गाइस। तो आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक पे न्यूमेरिकल लेकर, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए और दोस्तों के साथ जबरदस्त वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि गाइस आप लोगों के लाइक एक हम लोगों की एनर्जी के बराबर होता है। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।